जवार, तुमसे कुछ बात करनी है। नहीं मामा, मैं इस वक्त बहुत थका हुआ। शहीर, आज कितने दिनों बाद हम एक साथ लंच पे आ रहे हैं ना? Come on यार, तुम अच्छी तरह जानती हो मैं काफी बिजी होता हूँ, फिर भी तुम्हारी वजह से आज टाइम निकाला है ना, तो फजूल बातें करके मेरा मूड खराब मत करो। अच्छा बाबा, ठीक है। अच्छा ये तो बताओ, वो लास्ट टाइम वाली ब्रांड एम्बेसडर की ऑफर का क्या हुआ? वो They want a new face. शहीर, तुम कुछ नहीं कर सकते मेरे लिए, प्लीज। यार अगर सीयू को तुम्हारी पिक्चर्स पसंद नहीं आई तो मैं क्या कर सकता हूँ? नाम क्या है उस बंदे का? कॉन्टेक्ट सेंड कर दिया तुम। तुम देखना शहीर, इस कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर तो मैं ही बनूंगी। मोन नताशा, क्या फायदा है ऐसी दौलत और शोहरत का जो इज्जत के बदले में हासिल हो? एक्सक्यूज मी, ये किस तरह की बातें कर रहे हो तुम शहीर? तुम्हें मतलब भी पता है ब्रांड एम्बेसडर का? क्या मेरी खुद की भी एक पहचान है? आर यू ओके? बेबी, लीव मी अलोन। कैसे हो? हाय। हे। मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक। ठीक है, खुशी में ले तो लो, मेरी एंगेजमेंट फिक्स हो गई है। कंग्रेट्स, किससे शादी कर रही हो? पापा के फ्रेंड का बेटा है, इस्लामाबाद में होता है। मिली उससे? नहीं, जरूरी नहीं समझती। सीरियसली, तुम एक अनजान बंदे से शादी कर रही हो? अननोन को नोन बनाने के लिए सारी उम्र पड़ी है, और वैसे भी अगर आप किसी को जान लें, समझ लें, या तो उससे शदीद नफरत होने लगती है या फिर मोहब्बत। और अगर मोहब्बत ना मिले ना शहीर, तो बहुत तकलीफ होती है। बारबार मैं ये तकलीफ नहीं सह सकती, इतनी मजबूत नहीं हूँ। और वैसे भी किसी ने मुझसे कहा है, निकाह के दो बलों में बहुत ताकत है। दो अनजान लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा कर देती है, इसीलिए आई एम वेरी होपफुल। एनीवेज, आई विल कैच यू लेटर, बाय। खासे तो मियाँ बीवी की दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा होती है। शहीर के दिल में मेरे लिए मोहब्बत ना सही, धरती थक नहीं है। बस वो सेट रेडी है, अब मैं आता हूँ। सुनो, बस हमारी शादी होगी? और शादी सोचा नहीं कभी, कभी करना भी मत। शादी के तीन बोल लाइफ को कंफ्यूज कर देते हैं, कभी मत करना। और ये सब में बांट दो, ठीक है?
क्या कर रहे हो देख के यार? जवार बात कर रही थी आपसे। पता है आज मैं ना समन के साथ शॉपिंग पे गई, बेचारी ने कुछ भी नहीं खरीदा और लोगों ने अपनी गाड़ी घर सब कुछ बेचना पड़ा। क्यों? वो ना उसके हस्बैंड को कोई बिजनेस में लॉस हुआ है तो वो लोग बैंकक्रप्ट हो गए हैं। हाय बेचारी, मैं उसे कह रही थी अपने पेरेंट्स के घर चली जाए। आर यू सीरियस हानिया? हाँ ना, आई मीन एक एक पैसा इतना सोच सोच के खर्च रही है, तो बेहतर नहीं है जब तक ये सब कुछ हो रहा है पेरेंट्स के पास रहे? घर पे रहेगी, बार बार उसके हस्बैंड को एहसास होगा कि यू नो उसको खुश नहीं रख रहा, तो इससे अच्छा घर चली जाए, कंफर्टेबल रहे दोनों। हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते, दिल कम आउट ऑफ दिस क्राइसिस सून। हाँ ना, तो वापस चली जाए तब, मैं कौन सा कह रही हूँ तलाक ले ले, बट साथ रहेंगे तो स्ट्रेस में रहेंगे। तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि इस क्रूशियल टाइम में उसे अपने शौहर को छोड़ के अपने पेरेंट्स की तरफ चले जाना चाहिए। आप भी बात को पता नहीं क्या बना रहे, मेरा मतलब ये है कि इस क्रूशियल टाइम में उसको शौहर को तंग नहीं करना चाहिए, पेरेंट्स के पास चली जाए फिर वापस आ जाए। तुम्हारे लिए चीजों की अहमियत शौहर से ज्यादा? अगर कल को मैं ये जितनी भी फैसिलिटीज हैं जो तुम्हें दे रहा हूं अगर ना दे सका तो क्या तुम मुझे भी छोड़ दोगे? मतलब आप अगर जाएं तो आपके साथ रह लूंगी, मैं तो आपकी खुशी के लिए कह रही थी, वैसे भी मैंने कौन सा किसी महल में वापस जाना है, आप ही के साथ रहूंगी। अच्छा सुने, मैं ना गुड वाइफ का नया सीजन लाई हूं, देखें। हां बढ़िया डीवीडी। वो पिक्चर्स मैंने ऊपर रखी थी। कौन आया था कमरे में? मैंने खुद सफाई की थी लेकिन वहां पर उस पर कोई पिक्चर्स नहीं थी। तुम बार कह के मेरी चीजों को कोई हाथ मत लगाए। कहां ढूंढूं मैं? ये पिक्चर्स ढूंढ रहे हैं आप? आज इस लड़के ने एक तस्वीर दिखाई, कल को पता नहीं क्या क्या देखने को मिलेगा यार। प्लीज आप भी प्योर रियलिस्टिक ना, प्लीज खुद पे जुल्म मत करें, वो आपके साथ ठीक नहीं कर रहे हैं। क्यों अपने साथ ऐसे कर रही हो तुम? देखो जो रिश्ते बोझ बन जाते हैं ना बस खत्म कर देना चाहिए। ये अज़ियत उस ज़िल्लत से बहुत बेहतर है जो इस रिश्ते के टूटने पर मेरे पेरेंट्स को फेस करनी पड़ेगी। Pia
अभी हाँ मैं सारे घर में तुम्हें आवाजें देती फिर रही हूँ, तुम यहाँ आओ। जी अम्मी। बेटा जैन से बात हुई तुम्हारी, कब आ रहे हो? क्या हो गया बेटा, चुप क्यों हो? अम्मी वो जैन का फोन बंद है। एक बात है शायस्ता, तुम्हारा बेटा बिल्कुल अपने बाप पर गया है। अगर मेरी तरह होता ना तो मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं होती। कितने दिन हो गए उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं, मुझसे बात तक नहीं की। एक मामूली सी लड़की के लिए मैं अपने बेटे का ये बिहेवियर बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो मामूली सी लड़की तुम्हारे बेटे की मोहब्बत है, और जिससे मोहब्बत की जाए वो मामूली नहीं रहता। यूनुस शास्त्री, तुमने मोहब्बत को कभी समझा ही नहीं। पसंद आने वाला हर शख्स हमें याद नहीं रहता, लेकिन जिससे मोहब्बत की जाती है उसे भुलाया नहीं जाता। Whatever. I want my son back. At any cost. तो फिर एक ही तरीका है, उस लड़की को उसकी जिंदगी में वापस ले आओ। बेटा जिंदगी में सब कुछ अपनी मर्जी से नहीं मिला करता, हमें बहुत सारी चीजों पे और बहुत सारी बातों पे कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता। बाबा मेरी भी तो सारी लाइफ कॉम्प्रोमाइजेस में गुजरी है। आपके एब्सेंस में कॉम्प्रोमाइज, मामा की जिद में कॉम्प्रोमाइज, मेरी मोहब्बत मेरी पसंद में कॉम्प्रोमाइज। बाबा मैं जिस लड़की के साथ जिंदगी गुजार रहा हूँ उस लड़की को मुझसे ज्यादा मेरी दौलत मेरे स्टेटस में इंटरेस्ट है। मोहब्बत तो दूर की बात, उसको तो मुझ में भी कोई दिलचस्पी नहीं है। शोहर की मोहब्बत के बगैर तो गुजारा कर लेंगे। दुनिया में बहुत सी औरतें ऐसी जिनको अपने शोहर की मोहब्बत नसीब नहीं होती। एक मैं भी सही। एनीवे छोड़ें बाबा, आप बताएं क्या सोच रहे हैं आप? बेटा मैंने तुम्हें उस लड़की के बारे में बताया था ना जो मुझे पार्क में मिलती है। जी बाबा। बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन देखो उसके शौहर को भी उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। यानी कि वो भी मेरी तरह कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ गुजार रही है? नहीं बेटा, वो एक यकीन के सहारे जिंदगी गुजार रही है। उसे यकीन है कि हालात बेहतर हो जाएंगे और एक दिन उसके शौहर उसके पास वापस आ जाएंगे। तो बाबा बात तो एक ही है ना, आप इसे जो भी नाम दें। नहीं बेटा, कॉम्प्रोमाइज का मतलब होता है कि हालात से बेहतरी की कोई उम्मीद ना रखना। बेटा जो रिश्ते कॉम्प्रोमाइज पे बनते हैं ना वो बेहद कमजोर होते हैं, कभी ना कभी टूट जाते हैं। जबकि यकीन के बेसिस पे जो रिश्ते बनते हैं वो चाहे कितने ही कमजोर हों उनको बहुत मजबूती से निभाया जा सकता है। नाइस शर्ट। जवार का तुम्हारे साथ ये रवैया सिर्फ मंतशा की दूरी की वजह से है। उसे वापस ले आओ। ये कैसे मुमकिन है? किसी की बीवी है अब वो, और जवार हानिया से शादी कर चुका है। तुम्हारे लिए कुछ भी करना नामुमकिन नहीं है शायस्ती।
तुम्हें लोगों को अपने इशारों पर नचाना बहुत अच्छी तरह आता है। मैं सिर्फ चीज़ों को सिचुएशन के अकॉर्डिंगली मैनेज करना है। जिस तरह जवार की लाइफ से तुमने उस लड़की को निकाल कर हानिया को शामिल किया था, उसी तरह हानिया को उसकी लाइफ से निकाल कर उस लड़की के लिए जगह पैदा करो। अदरवाइज उसकी लातालुकी को बर्दाश्त करो। जब फिर आते आते लेट हो गए। तुमसे कितनी बार कहा मुझसे इस तरह के सवाल मत किया करो। एक मिनट, तुमने खाना नहीं खाया? कितनी बार मना किया कि मेरा इंतजार मत किया करो। मुझे अकेले खाना खाना अच्छा नहीं लगता। शहीर, थैंक यू। आपने मेरी पिक्चर्स डिस्कार्ड कर दी, थैंक्स फॉर दैट। किसी खुशफहमी में मुब्तला होने की जरूरत नहीं है। तस्वीरें इतनी बुरी आई थी कि उन्हें पब्लिश करवा के मुझे अपनी बेइज्जती नहीं करवानी थी, इसलिए फाड़ के फेंक दी। देखो हानिया, तुम उसे आइंदा मंतशा के बारे में कोई बात मत करना। कैसे बात ना करूं? दो दिन में बिजी क्या रही, यहाँ तो सब कुछ उलट हो गया। मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही कि इतना कुछ होने के बावजूद आप लोग उसे उस शख्स के साथ कैसे रहने दे सकते हैं। अब अगर आप ही अपने शौहर के साथ खुद रहना चाहती हैं, तो इसमें हम उन्हें फोर्स तो नहीं कर सकते ना कि वो उनसे अलग हो जाएं। वो तो है ही बेवकूफ। मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हारा मसला क्या है। तुम जवार के साथ अपने घर में खुश हो तो मंतशा को भी खुश रहने दो। जब तक वो शहीर के साथ है मैं कैसे खुश रहूं? की फैमिली के सामने कितनी एंबैरेसमेंट फेस करना पड़ी है। अम्मी, मेरा घर खराब हो रहा है। क्यों? ज़बान तुमसे कुछ कहा है? ऑब्वियसली अम्मी, उसकी जो हरकतें हैं वो किस फखर की बात थोड़ी है। सवार की फैमिली का एक स्टेटस है, एक नाम है, और वो औरत उनकी रेपुटेशन खराब कर रही है। हानिया, ये उन दोनों मियां बीवी का आपस का मामला है, हम उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। तुम्हें समझ नहीं आती है? हाँ ठीक है, इसमें मेरा घर बेशक खराब हो जाए, पता नहीं मैं क्यों इस घर में आती हूँ अपनी प्रॉब्लम शेयर करने। मेरी तो इतनी सी भी अहमियत नहीं है यहाँ पे। नहीं, आ कितनी रही है अभी? कोई आएगा? यार सुनो क्या कह रही है, कल से 15-20 मिनट वेट करके देखते हैं, थोड़ा लाइट नीचे आ जाएगी तो बेहतर हो जाएगा। आपको कुछ भी चाहिए हो तो प्लीज फील कंफर्टेबल। अभी मैं 15-20 मिनट वेट करना पड़ेगा, सब आ जाएगा, जस्ट रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। यार फॉरन सुनो क्या कह रही है वो, आप ख्याल रखो यार, जैसी लाइट बेहतर होती मुझे बुलाओ। स्पॉट पे कौन है यार? तुम पानी लेके आओ यार। और सुनो मैडम, जो भी कह रही है उन्हें फॉरन देकर आओ, ठीक है? जल्दी। हेलो। हाय। शूट कैसा चल रहा? अभी तक तो बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अभी थोड़ा लाइट बेहतर होने का वेट कर रहे हैं। 15-20 मिनट में ठीक हो जाएगी, फिर कंटिन्यू करेंगे। शहीर, तुम्हारी बीवी बहुत खूबसूरत है। मुझे अपने आसपास खूबसूरती बहुत अच्छी लगती है। ये लड़की बहुत अच्छी है, इसकी कदर करना। मॉर्निंग।
तुम जानती हो कि मैं हर खूबसूरत लड़की की बहुत कदर करता हूँ। कम से कम इस मामले में मेरा रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। तुम्हारी लाइफ में आने वाली सब लड़कियों में से ये डिफरेंट है। अच्छा, ऐसा क्या खास है उसमें? इसी को देख लो, खूबसूरत चेहरे तो बहुत से होते हैं लेकिन खूबसूरत दिल आराम से नहीं मिलते। मैं नहीं जानती कि तुमने ये शादी क्यों की है लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, उसकी कदर करना, उसको कभी मत छोड़ना, मंतुषा को मत छोड़ना शरीर। क्या हुआ शहीद सिकंदर, नजरें चुरा रहे हो? कब से पानी का कह रहा हूँ यार, कोई सुन रहा है कि नहीं यहाँ पे? जल्दी लेकर आओ यार। क्या कह रही थी? कुछ नहीं, पानी पियो। क्या कर रहे हो यार तुम लोग, जल्दी बताओ। शोर चक्कर शोर तैयार हो जाओ, डिनर के लिए बाहर जा रहे हैं। लेकिन क्यों? क्यों क्या मतलब? मेरा दिल चाह रहा है। और दिल की आप बहुत सुनते हैं, दिल के आगे किसी की नहीं सुनते, जानते। अच्छा ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। सिख लड़की है, हैरान कर देती है मुझे। कैसी गुजर रही है मैरिड लाइफ? आपने ये सवाल पूछने के लिए मुझे यहाँ बुलाया? तुमने जवाब नहीं दिया। तो फिर वो जरूरी बात करें जिसके लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया। मंतुषा को डिवोर्स दे दो, उस लड़की का साथ तुम्हारी जिंदगी में यहीं तक है। तुम्हें मंतुषा को डिवोर्स देनी ही होगी। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपकी हर बात मान लूंगा? शायद तुम भूल रहे हो कि शादी मैंने ही कराई थी। तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि मैं अपनी जिंदगी के हर मामले में आपसे डिक्टेशन लूं। मैं जो इरादा एक बार कर लेती हूँ उसे पूरा भी करती हूँ। और मुझे हारी भी बाजी जीतना आता, जीती भी बाजी हारना नहीं। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम मंतुषा को छोड़ दो, अदरवाइज जिस तरह मैंने तुम्हारी शादी करवाई थी उसी तरह खत्म करवा दूंगी। मुझे ब्लैकमेल कर रही है? नहीं,
अगर तुम बात समझ जाओ तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। Choice is all yours. आप बेशक ट्राई करके देखिए, क्योंकि मंतशा एक टिपिकल मिडिल क्लास लड़की है जो कि अपने शौहर को इतनी आसानी से छोड़ेगी नहीं। आपके सामने है सब कुछ, मेरे बारे में सब कुछ जानने के बाद भी वो मेरे साथ ही रह रही है। मंतशा तुम्हारे बारे में जरूर सब कुछ जानती है, लेकिन वो ये नहीं जानती होगी कि तुम उसकी बहन के एक्स बॉयफ्रेंड हो। एंड यू नो मिस्टर शहीर, ये जो मिडिल क्लास लड़कियां होती हैं ना, ये अपनी बहन के एक्स बॉयफ्रेंड के साथ नहीं रहती हैं। मोहब्बत के मौत से कितने खूबसूरत होते हैं। I'm ready. किस तरह की ड्रेसिंग किया तुमने? अपनी कंजर्वेटिव सोच कब छोड़ोगी तुम? जाओ यहां से, इस सुलह में तुम्हें बाहर ले जाकर अपनी इंसल्ट नहीं करवा सकता मैं। सुना नहीं, जाओ। रिश्तों का ये घोट मंतशा कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। तुम्हारी जिंदगी में आने वाली लड़कियों की लिस्ट वो जरूर जानती होगी, मगर उस लिस्ट में उसकी बहन भी शामिल है। मंतशा ये नहीं जानती। मेरे और हानिया के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से आप मुझे ब्लैकमेल करें। तुम्हारी और हानिया के दरमियान कुछ हो या ना हो, मैं साबित कर दूंगी। आप ऐसा क्यों कर रही हैं? मुझे मंतशा वापस चाहिए सवार के लिए। अभिया के रिश्ते की कहीं बात चली आगे? रेहाना, अल्लाह की तरफ से हर चीज का एक वक्त मुकर्रर है। जब वक्त आएगा तो अभिया भी इंशाल्लाह अपने घर की हो जाएगी। इंशाल्लाह, बस मेरे दिल पे एक बोझ सा है। अल्लाह अभिया का कहीं अच्छी जगह रिश्ता करा दे तो मुझे सुकून मिल जाएगा। बस आप दुआ करें, अल्लाह मेरी बच्चियों के नसीब अच्छे करे और वो अपने घरों में खुश रहे। माशाल्लाह से बाकी दोनों बच्चियों के तो बहुत अमीर घरानों में रिश्ते तय हुए, खुश क्यों नहीं होंगे। भाभी साहब, ये मंतशा बहुत कम कम मैके आती है, क्या शौहर भेजता नहीं है? जी नहीं, वो खुद ही कमाती है, इसलिए कि उसके आने से शहीर अकेला पड़ जाता है।
ठीक है। कॉफी कहाँ है? ये आपकी कॉफी। थैंक यू। हाँ, तुम्हारी कॉल आ रही थी। जवार का फोन? अन्ना मुझसे क्या काम हो सकता है? कॉल बैक कर लो, शायद कोई जरूरी काम है। बाद में करना है। मेरे सामने कॉल करने में कोई प्रॉब्लम है? नहीं, इट्स ओके। अगर मेरे सामने कॉल नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन बाद में कर लेना। नहीं शहीर, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक्चुअली जवान ने पहले कभी मुझे इस तरह फोन नहीं किया। दूर जाने के बाद चीजें ज्यादा याद आती हैं। तुमने कभी नोट किया, जवान काफी गुमसुम लगता है कभी कभी, जैसे तो बहुत कीमती चीज उसने खो दी। जिंदगी है ही खोने और पाने का नाम। Exactly. 100% right. मैं भी इस बात पे बिलीव करता हूँ। वैसे मंतशा, तुमने कभी कोई बहुत कीमती चीज खोई है? Something very close to your heart. आज भी कोई रिप्लाई नहीं आया। क्या मैं एक बार फिर अपने अम्मी अब्बू के लिए परेशानी का बायस बन रही हूँ? तुम क्या कर रही हो अभीहा? अशफाक साहब ने क्या कहा है, याद करो। इंसान अपने इंसान होने का कमाल उस वक्त तक नहीं दिखाता जब तक उस पर कोई परेशानी ना आ जाए और उससे निकलने का हल ना ढूंढ ले। तुम्हें भी अपने आप को इस परेशानी से खुद ही निकालना है। आप hey.
दूसरा कौन सा मुश्किल सवाल पूछ लिया था। तो करो इस कमरे में इतनी मोहब्बत है कि मेरा दिल मेल्ट हो रहा है। माशाल्लाह हाथ से निकल जाए तो वो कभी वापस नहीं। ये है जियो